दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस को फोल्डर में कैसे रख सकते हैं नाम के साथ। दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशंस को मोबाइल में स्टोर करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसको अपने एक फोल्डर के रूप में रखना, एक सीक्वेंस में रखना बहुत ही अच्छा होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से हम कर पाते हैं और ये देख पाते हैं कि हमारे मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे रखा हुआ है, किस नाम से रखा हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं तो आप उसका एक अलग से फोल्डर बना सकते हैं, जो बैंकिंग ऐप के नाम से आप रख सकते हैं उसका नाम, या अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसका एक फोल्डर बना के एक सीक्वेंस में आप सारे एप्लीकेशन को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप होटल में चेक इन करते हैं तो होटल से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन दोस्तों हम इंस्टॉल कर तो लेते हैं लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आप देख रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पे कितने सारे एप्लीकेशन शो हो रहे हैं जिसके वजह से हम को बारी बारी से एप्लीकेशन को सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, फिर हम उसको क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको सीक्वेंस में एक फोल्डर के रूप में अपने एंड्रॉयड अपने में कैसे रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है एक एप्लीकेशन को होल्ड। होल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए मैंने अपने बैंकिंग ऐप को पहले ही सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि ये मेरे कोटक महिंद्रा बैंक का आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो इसको जस्ट दोस्तों हमें टैप करना है। टैप करने के बाद हमें धीरे से इसको अपने दूसरे बैंकिंग एप्लीकेशन, जैसे आप यू मोबाइल देख रहे होंगे, इसके पास लाना है। आप जैसे ही इसके पास लाते हैं, इसके ऊपर इसको शो करते हैं तो आप देखेंगे नीचे एक फोल्डर बन रहा होगा। तो इस फोल्डर में जस्ट ला के इसके ऊपर लाने के बाद, इस फोल्डर में लाने के बाद जस्ट हमें इसको होल्ड करने के बाद छोड़ देना है। छोड़ते ही आप देखेंगे ये एक फोल्डर बन गया दोस्तों, और एक फोल्डर में आने के बाद दोनों एप्लीकेशन एक साथ मर्ज हो गए। अब मैं आपको दूसरे एप्लीकेशन को इसमें डाल के दिखाता हूँ। जैसे दूसरा मेरा एप्लीकेशन है योनो SBI, तो ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, तो इसको भी मैं जस्ट टैप करूँगा और सीधे उस पर उसके ऊपर लेके जाऊँगा और इस एप्लीकेशन में, इस फोल्डर में लाने के बाद उसको जस्ट होल्ड करने के बाद छोड़ दूंगा। सॉरी दोस्तों, आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये नहीं जाएगा। आप देखिए, छोड़ने के बाद जस्ट ये उस फोल्डर में स्टोर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अदर भी एप्लीकेशन हमारे हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, जैसे IPPP मोबाइल मुझे आपको दिख रहा होगा, ये पोस्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है, तो ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसको जस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा सा मूव करना है, फिर आप सीधे ला के इसी फोल्डर में आप इसको स्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एप्लीकेशन को स्टोर कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बाहर जाते हैं, होटल से रिलेटेड आपके पास काफ़ी ऐप पड़े हुए हैं, तो आप उसको भी एक फोल्डर में आराम से रख सकते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पाएंगे ओयो का एप्लीकेशन एंड दोस्तों दूसरा गो आई बीबो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो एक एप्लीकेशन यहाँ पे भी है जो वीगो फ्लाइट्स होटल के नाम से है। अगर आप टूर करते हैं, बाहर जाते हैं, होटल से रिलेटेड आपके पास एप्लीकेशन है, तो आप उसको भी सीक्वेंस में रख सकते हैं दोस्तों। जैसे मेरे पास गोवाई बीबो का आपको ऐप दिख रहा होगा नीचे, अब आप देखेंगे तीसरे वाले स्क्रीन पे हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ ओयो का एप्लीकेशन दिखता है, तो हम ओयो को लेफ्ट हैंड साइड में ला के गोवाई बीबो में मर्ज कर सकते हैं, या फिर गोवाई बीबो को राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करके तीसरे होम स्क्रीन पर आने के बाद गोवाई बीबो को ओयो में, ओयो के फोल्डर में वो कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे वीगो का है दोस्तों, जो ऑलरेडी एक फ़ोल्डर में है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि फ़ोल्डर से बाहर एप्लीकेशन को कैसे लेके आते हैं। तो आपको जस्ट इस फोल्डर को क्लिक करना है और वीगो फ्लाइट होटल ऐप को क्लिक करना है और उसको जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। अब आप बाहर जैसे ही लाते हैं इसको आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये होम स्क्रीन पर आ गया और यहाँ फोल्डर से ये निकल चुका है, अभी फोल्डर में ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसको कैसे हम मर्ज करें। तो अभी गोवाई वीवो को जस्ट हम क्लिक करते हैं और राइट हैंड साइड में लेके आते हैं और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ओयो का एप्लीकेशन है। यहाँ पे जस्ट लाने के बाद अब देखिए काफ़ी आराम से करना होता है।
जैसे ही आप इसके ऊपर लाएंगे, देखिए भाग रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से करता हूँ। गोया वीवो को जस्ट ओयो के ऊपर लाना है, या ओयो को आप जस्ट गोया वीवो को ऊपर लाइए। दोस्तों ये इधर उधर भाग रहा है, ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक एप्लीकेशन कम है। जब यहाँ पे सारे एप्लीकेशन होंगे तो ये स्क्रीन इधर उधर स्क्रॉल नहीं करेगी। तो अभी जस्ट हम वीवो को भी लाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब आप देखिए पूरे डैशबोर्ड पे सारे एप्लीकेशन आ गए। अब आप इसको आसानी से फोल्डर में डाल पाएंगे। वीवो को आप लेके आइए वीवो एप्लीकेशन के ऊपर, ये देखिए अब ये दो होटल्स के एप्लीकेशन एक साथ एक फोल्डर में आ गए। अब ओयो को भी आप ला के यहाँ पर जस्ट फोल्डर में डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा दो फोल्डर यहाँ बन के तैयार हो गया है। एक हो गया अपना होटल से रिलेटेड फोल्डर और दूसरा है बैंकिंग से रिलेटेड। अब आप देख पाएंगे ना ये ऑटोमेटिकली एक नाम में भी कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे आप मैंने अभी डाला है ये फोल्डर फोल्डर शो कर रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ये है ये फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, और ये बैंकिंग वाला ऐप भी ये फोल्डर दिख रहा है। तो ये दोनों आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे शो करेगा आपको, और यहाँ पे बैंकिंग शो करेगा कुछ समय के बाद। अब हम आते हैं कुछ और एप्लीकेशंस को देखते हैं जो हम एक फोल्डर में उसको डाल पाएँ। तो दोस्तों जैसे मानिए कि मेरा ये वेदर ऊपर आप देख रहे होंगे, एक नोट्स देख रहे होंगे, शेयर मी देख रहे होंगे, और म्यूजिक देख रहे होंगे, तो इसको भी आप डाल सकते हैं। जैसे मुझे अपने होम स्क्रीन के डैशबोर्ड पे वेदर वाले ऑप्शन को मुझे इस गूगल वाले सीट में डालना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके बाएं लाऊंगा और इस फोल्डर में डाल दूँगा। आप देख पाएंगे दोस्तों ये वेदर यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब मुझे YouTube को यहाँ से बाहर निकाल के सीधे होम स्क्रीन पे लाना है, तो यहाँ पे मैं इसको टैप करके यहाँ पे बाहर लेते आऊँगा। तो अभी देखिए YouTube बाहर आ चुका है। तो दोस्तों इसकी मदद से आप अपने सारे एप्लीकेशंस को एक फोल्डर में अच्छे से सीक्वेंस के रूप में रख पाएंगे। अब मैं आपको रख के दिखाता हूँ सारे एप्लीकेशन को एक साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको सारा रख के फटाफट दिखाता हूँ कि कैसे ये एक साथ होने के बाद कितने अच्छे लगते हैं दोस्तों। मेल एप्लीकेशन लगाया हुआ है, क्रोम ब्राउज़र लगाया है, प्ले स्टोर, मैप्स, कैलेंडर, गैलरी और कुछ टूल्स हैं जिसमें कैलकुलेटर भी है, फ़ोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए भी मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों। आप देखें जैसे भी यूज़ करना चाहें हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड में सारे एप्लीकेशन आ गए, अब मैं जिसको चाहूँ पर्सनली यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देखें, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला और वीडियो अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।